नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 16 नवंबर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। 3852 महिला दरोगा सिपाही बनेंगी बिहार पुलिस की ताकत। बिहार भी बनेगा फिल्म शूटिंग का डेस्टिनेशन। पूरे बिहार में 19 नवंबर को बैंकों की हड़ताल। बिहार में अग्निवीर भर्ती का शेड्यूल जारी। सहारा इंडिया में पैसा लगाने वालों का छलका दर्द। चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। CISF ने 787 रिक्तियों के लिए जारी किया भर्ती अधिसूचना। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स ने कांस्टेबल ट्रेड्समैन के विभिन्न ट्रेड में कुल मिलाकर 787 रिक्तियों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी किया है। इस पद के लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो आवेदक को क्लास 10th पास होना जरूरी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस वैकेंसी नोटिस से जुड़ी हुई समस्त जरूरी जानकारी और आवेदन करने के लिए इस वीडियो के इसी पेज पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जरूर क्लिक करें। ऑनलाइन आवेदन करने की तारीख 21 नवंबर से 20 दिसंबर 2022 तक निर्धारित की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट https://www.cisf.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। नीतीश कैबिनेट का फैसला, कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर लगी मुहर। बीते दिन मुख्यमंत्री के द्वारा कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें 13 महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगाई गई है, जिसमें मध्य विभाग के तहत मोटर वोट भाड़े पर रखे गए वाहनों के किराया, नए चेक पोस्ट निर्माण, मोबाइल हैंड स्कैनर एवं कॉल सेंटर का टोल फ्री नंबर, मध्य निषेध के प्रचार प्रसार पर हुए व्यय के लिए 25 करोड़ रुपए आकस्मिकता निधि से दी गई है। इसके साथ ही जातिगत गणना की समय सीमा को बढ़ाकर फरवरी 2023 निर्धारित कर दी गई है और इसके पोर्टल निर्माण के लिए परामर्शी के चयन पर अनुमानित खर्च 2,44,94,440 रुपए बेल्ट्रॉन को भुगतान करने के लिए स्वीकृति दी गई। अवैध बालू खनन परिवहन पर अंकुश लगाने हेतु स्पीड बोट चेन एवं अन्य उपस्कर क्रय हेतु बिहार आकस्मिकता निधि से 5 करोड़ रुपए की अग्रिम स्वीकृति दी गई। खान एवं तत्व विभाग बिहार पटना के मुख्यालय के लिए 4 खान पर निरीक्षकों के पदों की स्वीकृति समेत कई अन्य चीजों पर मुहर लगाई गई। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे चित्रगुप्त की। पिछली सदी के 60 के दशक में सदाबहार धुनों के एक बड़े चित्तेरे के रूप में बिहार मूल के चित्रगुप्त श्रीवास्तव उर्फ चित्रगुप्त का नाम बड़े संगीतकारों की जमात में उल्लेखनीय ढंग से उभरता है। पढ़े लिखे संगीतकारों में चित्रगुप्त का नाम तो आदर से लिया ही जाता है। इस बात पर भी उन्हें प्रशंसा मिलती रही है कि उन्होंने बाकायदा पंडित शिव प्रसाद त्रिपाठी से संगीत की शिक्षा ली थी और भातखंडे संगीत विद्यालय लखनऊ से संगीत के नोट्स मांग कर रियाज किया करते थे। उन्होंने ज्यादातर मुख्य धारा से बाहर रही बी सी ग्रेड की फिल्मों में संगीत दिया था। एक लंबी सूची है ऐसे फिल्मों की जिनको प्रमुख रूप से चित्रगुप्त की पहचान के लिए याद किया जाता है। लता मंगेशकर के शुरुआती करियर में उनका महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। प्रेम धवन के साथ उन्होंने कई बार काम किया और उनके गीतों को संगीतबद्ध किया। यह जानकर आपको बेहद खुशी होगी कि वो बिहार से थे। पूरे बिहार में 19 नवंबर को बैंकों की हड़ताल। अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ के कहे अनुसार शनिवार यानी कि 19 नवंबर को बिहार के सभी बैंक हड़ताल पर जाने से बंद रहेंगे। वहीं इसके अगले दिन यानी कि 20 नवंबर को रविवार है, जिस वजह से भी सभी बैंक बंद रहेंगे। इसके साथ ही यह भी आसार है कि बैंक हड़ताल के चलते एटीएम सेवा भी प्रभावित होगी। बता दें कि ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन की ओर से विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल का आह्वान किया गया है, जिसमें उन्हें बैंक के कर्मचारी संगठनों का भी समर्थन मिल रहा है। बिहार स्टेट इलाहाबाद बैंक स्टाफ एसोसिएशन से जुड़े उत्पल कांत का कहना है कि ट्रेड यूनियनों और नौकरी की सुरक्षा पर बढ़ते हमलों, बैंकों के निजीकरण आदि के विरोध में बैंकों में एक दिवसीय हड़ताल का फैसला लिया गया है। इसके अलावा यूनियन बैंक मैनेजमेंट और बैंक यूनियन के बीच हुए द्विपक्षीय समझौते की पवित्रता के अनुसार फैसला लेने की मांग की है। बिहार भी बनेगा फिल्म शूटिंग का डेस्टिनेशन। राज्य सरकार के द्वारा कई स्तरों पर कोशिश की जा रही है कि बिहार को फिल्म शूटिंग का डेस्टिनेशन बनाया जा सके। इसके लिए सरकार नई फिल्म विकास एवं प्रमोशन नीति को अंतिम रूप में देने में जुटी हुई है। बता दें कि जल्द ही बिहार के राजगीर में फिल्म सिटी बनाई जाएगी। इसके साथ ही कुछ जिले ऐसे भी है जहां फिल्म शूटिंग के लिए खूबसूरत डेस्टिनेशन बनाए जाने के लिए तैयारी की जा रही है, जिसमें नालंदा विवि, बांका के मंदार पर्वत, कैमूर के मुंडेश्वरी मंदिर और वाल्मीकि नगर को शामिल किया
किया गया है। इसके लिए सरकार की ओर से राजगीर प्रखंड के ठेरा मोड़ा व पिलखी गांव में कुल 360 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जा चुका है। जानकारी के लिए बता दें कि फिल्म सिटी का निर्माण 20 एकड़ में किया जाएगा, जिसमें करीब 150 करोड़ रुपए खर्च होने की संभावना है। बिहार में अग्निवीर भर्ती का शेड्यूल जारी। बिहार के विभिन्न जिलों में अग्निवीर भर्ती के लिए रैली का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। बता दें कि सेना के क्षेत्रीय कार्यालय दानापुर के लिए अग्निवीर की बहाली के लिए जो शेड्यूल जारी किया गया है, उसके अनुसार 1 दिसंबर से 8 दिसंबर तक पुरुष रैली में अग्निवीर जीडी की बहाली होगी। वहीं 9 से 13 दिसंबर तक अग्निवीर तकनीकी, अग्निवीर क्लर्क और अग्निवीर एसकेटी की बहाली की जाएगी। इसके साथ ही 14 दिसंबर से महिलाओं की भर्ती की जानी है। जानकारी के लिए बता दें कि जो शेड्यूल जारी किया गया है, उसके अनुसार 1 दिसंबर को गोपाल 2 दिसंबर को कुचायकोट और वैशाली, 3 दिसंबर को सिवान, 4 दिसंबर को सारण, 5 दिसंबर को बनियापुर, दरियापुर, छपरा, दानापुर, मनेर, पटना सदर, पालीगंज, विक्रम और पुनपुन, 6 दिसंबर को पटना के बाकी अंचल के अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा, 7 दिसंबर को भोजपुर के शाहपुर आरा, जगदीशपुर, 8 दिसंबर को भोजपुर के जगदीशपुर के लिए बहाली होगी। जरिए 20 किलोमीटर के दायरे में बुक करा सकेंगे जनरल टिकट। इंडियन रेलवेज के द्वारा अब ऐप यूटीएस ऑन मोबाइल ऐप के जरिए 20 किलोमीटर के दायरे में जनरल टिकट बुक कर पाएंगे। अब आपको जनरल टिकट लेने के लिए स्टेशनों पर जाकर लंबे लंबे लाइन में जाके इंतजार करने की जरूरत नहीं होगी। नियमों के तहत अनरिजर्व्ड टिकट बुकिंग का दायरा बढ़ा दिया गया है। ऑन मोबाइल ऐप के जरिए अब नॉन सब अर्बन एरिया के स्टेशनों से 20 किलोमीटर के दायरे में टिकट बुक हो सकती है। वहीं सब अर्बन एरिया में टिकट बुकिंग का दायरा बढ़ाकर 2 से 5 किलोमीटर कर दिया गया है। यहाँ यह बताना जरूरी है कि कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई जैसे अर्बन एरिया का स्टेशन और भागलपुर, बांका, जमालपुर, साहिबगंज सहित साहिबगंज, भागलपुर, केउल, पटना, भागलपुर, मंदार हिल, हंसडीहा सेक्शन के सभी स्टेशन नॉन सब अर्बन एरिया की श्रेणी में आता है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने 2187 पदों के लिए जारी की नई तारीख। बिहार कर्मचारी आयोग के द्वारा 2187 पदों पर होने वाली बहाली को लेकर तारीख तय कर ली गई है, जिसके अनुसार इन सभी पदों के लिए होने वाली प्रारंभिक परीक्षा की तारीख 23 व 24 दिसंबर को निर्धारित की गई है। हालांकि पहले इस परीक्षा के लिए 26 व 27 नवंबर को तारीख का निर्धारित किया गया था, लेकिन आयोग ने अब इसे लेकर अधिसूचना जारी कर नई तारीख का ऐलान किया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बीते दिनों अभ्यर्थियों ने तृतीय स्नातक परीक्षा के लिए समय नजदीक आने तथा आयोग की ओर से कोई अधिसूचना नहीं होने के कारण आयोग के समक्ष हंगामा किया था, जिसके बाद सरकार के द्वारा यह घोषणा कर दी गई है। बताते चले कि आयोग की तरफ से यह साफ कह दिया गया है कि अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा में टेक्स्ट बुक लेके जा सकेंगे। वहीं कैलेंडर में प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम 20 से 30 जनवरी में निकलेगा और मुख्य परीक्षा के लिए मार्च 2023 और अंतिम परिणाम अप्रैल महीने में आने की सूचना है। सहारा इंडिया में पैसा लगाने वालों का एक बार फिर छलका दर्द। वैसे लोग जिन्होंने सहारा इंडिया में पैसा लगाया था, उनका दर्द एक बार फिर छलकने लगा है। बता दें कि पटना के बोर्डिंग रोड चौराहे पर हजारों की संख्या में लोगों का जमावड़ा हुआ, जिनमें से ज्यादा संख्या महिलाओं की थी। ये सभी वे व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी पूंजी सहारा इंडिया में लगाई थी और वह सहारा इंडिया घोटाले में डूब गई है। इस दौरान उन लोगों ने सहारा इंडिया से अपने पैसे वापस दिलाने की मांग सरकार से की है। वहीं इन लोगों ने सरकार के काम पर सवाल भी उठाया। उन्होंने कहा कि अगर सरकार चाहती है तो सभी को पैसा वापस मिल जाता, लेकिन अगर सरकार ही नहीं चाहती तो हमें पैसे वापस कैसे मिलेंगे। तो हमें यही स्थिति न्यायपालिका की भी है। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद थी कि न्यायपालिका इस मामले पर कुछ सख्त कदम उठाएगी, लेकिन यहां से भी कोई कदम नहीं उठाए गए और हमारे हाथ निराशा ही लगी। प्रियंका गुप्ता के साथ हो गया धोखा, फूट फूट कर रोई, काम भी बंद किया। राजधानी पटना में कुछ महीने पहले विमेंस कॉलेज के पास ग्रेजुएट चाय वाली के नाम से प्रियंका गुप्ता ने स्टॉल लगाकर खूब सुर्खियां बटोरी हैं। इसके बाद वहां से उन्होंने अपने स्टॉल को शिफ्ट कर लिया और वो बोरिंग रोड चली गई, पर एक बार फिर उनका ठेला वहां से अचानक गायब हो गया है, जिसके बाद उनकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जहां वो फूट फूट कर रोती दिखी। वहीं उन्होंने नगर निगम को खूब ताना दिया है। बता दें कि ये वीडियो बीते दिन सोमवार को सामने आया था, जिसमें वो कहती दिख रही थी कि वो अपनी हद भूल गई थी। उन्होंने कि मुझे लगा था कि हम बिहार में कुछ अलग कर रहे थे, तभी तो आप लोग सपोर्ट कर रहे थे ना, लेकिन हम अपनी हद भूल गए थे कि ये बिहार है। बिहार, यहाँ लड़कियों की औकात इतनी होती है कि बस वो लोग किचन तक ही सीमित रहते हैं और घर के काम करते हैं। बैगलेस शनिवार 9वीं से 12वीं के बच्चों के लिए अनिवार्य नहीं।
नई शिक्षा नीति 2020 के तहत बिहार में बैगलेस सुरक्षित शनिवार की शुरुआत बीते 11 नवंबर से हो गई है। इसके लिए राज्य के सभी स्कूलों में अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। बता दें कि बैगलेस शनिवार प्रदेश के सभी तकरीबन 72,000 विद्यालयों में अनिवार्य रूप से लागू रहेगा। हालांकि इसे 9वीं से 12वीं के करीब 8,000 स्कूलों के करीब 60 लाख विद्यार्थियों के लिए इसे अनिवार्य नहीं किया गया है। यह बच्चों पर ही निर्भर रहेगा। अगर उनका मन हो तो वे सुरक्षित शनिवार की गतिविधियां कर सकते हैं और इससे जुड़ सकते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि यह दिन बच्चों के लिए पूरी तरह रोचक गतिविधियों का दिन होगा। यह दिन जिज्ञासा, सृजन, नवाचार, तर्क, चिंतन, कला एवं सौंदर्य, खेलकूद, देश की सांस्कृतिक विरासत एवं धरोहर, योग एवं स्वच्छता आदि को समर्पित होगा। इंद्रपुरी बैराज इस वजह से है बेहद खास। रोहतास जिले के इंद्रपुरी में इंद्रपुरी बैराज 1407 मीटर लंबा है और यह दुनिया का चौथा सबसे लंबा बैराज है। इसका निर्माण 2253 मीटर लंबे फरक्का बैराज का निर्माण करने वाली कंपनी HCC ने किया था, जो दुनिया में सबसे लंबा है। इंद्रपुरी बैराज को 1968 में चालू किया गया था। 1873 से 74 में देश की सबसे पुरानी सिंचाई प्रणालियों में से एक डेहरी में सोन के पार एक एनीकट के साथ विकसित किया गया था। सोन से नदी के दोनों किनारों पर नहर प्रणाली से पानी और बड़े क्षेत्रों की सिंचाई की जाती है। एनीकट के 8 किलोमीटर ऊपर बैराज का निर्माण किया गया था। इंद्रपुरी बांध को प्रकृति की गोद से निकलते हुए सोन नदी की लहरों के साथ खिलखिलाते देखना काफी मनमोहक दृश्य होता है। यह बांध अत्यंत सुंदर होने के साथ साथ अपनी नैसर्गिक आकर्षण की वजह से अति शांत एवं सुखदायी है। अगले वर्ष से 4 साल में मिलेगा ग्रेजुएशन की डिग्री। नई शिक्षा नीति के अनुरूप UGC ने 4-ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम का नियम तैयार कर लिया है, जिसके तहत अब नए सत्र 2023 से सभी यूनिवर्सिटी में छात्रों को 4 साल के ग्रेजुएशन कोर्स में एडमिशन लेना होगा। वहीं यह भी तय किया गया है कि ग्रेजुएशन कोर्स में एंट्री के कई तरीके होंगे और अगर कोई छात्र अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ता है तो उसे हर स्तर पर कोई न कोई सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। बता दें कि जो छात्र 1 साल की पढ़ाई कर छोड़ देते हैं उन्हें सर्टिफिकेट दिया जाएगा। वहीं वैसे छात्र जो 2 साल की पढ़ाई कर छोड़ते हैं उन्हें डिप्लोमा की डिग्री दी जाएगी। 3 साल पढ़ाई करने वाले छात्र को ग्रेजुएशन की डिग्री दी जाएगी और जो छात्र 4 साल की पढ़ाई करते हैं उन्हें ग्रेजुएशन डिग्री के साथ ऑनर्स की डिग्री दी जाएगी। इन नियमों को जल्द ही जारी किया जाएगा। फिलहाल दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 4 साल के कोर्स को मंजूरी दे दी है। शराब पीने के आरोप में पकड़े गए 456 VIP और 67 सरकारी कर्मी। बिहार में शराबबंदी कानून के तहत सिर्फ आम लोग ही नहीं बल्कि VIP कहे जाने वाले लोगों को भी पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि मध्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के आयुक्त बी कार्तिकेय धनजी के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बारे में जानकारी दी गई कि बिहार में कितने VIP लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। उनके अनुसार शराबबंदी कानून के तहत पिछले 11 महीनों में 67 सरकारी कर्मी व 39 जनप्रतिनिधि सहित समाज में सम्मानित पेशा वर्ग से आने वाले 21 डॉक्टर, 10 अधिवक्ता सहित 456 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है, जिसमें से अधिकांश गिरफ्तारी उत्पाद विभाग के द्वारा की गई है। 3852 महिला दरोगा सिपाही बनेगी बिहार पुलिस की ताकत। बिहार में लगातार महिला पुलिस कर्मियों की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है। ऐसे में 16 नवंबर को गांधी मैदान में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों एक साथ नव चयनित 10,459 पुलिस कर्मियों में 3852 महिला पुलिस कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पहले से करीब 25,000 महिला पुलिस कर्मी बिहार में मौजूद है। इन 3852 महिला पुलिस कर्मी में 724 दरोगा और 84 सार्जेंट के पद के लिए चयनित की गई है। वहीं दरोगा और सार्जेंट के अलावा सिपाही के पद पर 326 महिलाओं का चयन किया गया है। बताते चले कि राज्य सरकार के अधीन सभी नौकरियों में महिलाओं को 35% का आरक्षण दिया जाता है, यानी कि हर वर्ग की कुल रिक्तियों में 35 सीटें ऐसी होंगी जिनमें 35% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। वहीं इसके साथ ही 3% सीटें पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। बिहार में धीरे धीरे गिर रहा अधिकतम तापमान। बिहार में मौसम का मिजाज पिछले कुछ दिनों से सामान्य बना हुआ है। रात में जरूर ठंडी हवा का असर दिखता है। सुबह में प्रदेश के कुछ इलाकों में कोहरा भी नजर आने लगा है। हालांकि मौसम विभाग के मुताबिक अभी नवंबर महीने में सर्दी के आसार कम ही हैं। अगले कुछ दिन मौसम शुष्क बना रहेगा। वहीं जिस तरह से पछुआ हवाओं का असर नजर आ रहा है, राजधानी पटना समेत कई शहरों में अधिकतम तापमान में गिरावट देखने को मिली है। आज की बात करें तो पटना समेत आसपास के इलाकों में मौसम शुष्क बना रहेगा। इस दौरान राज्य में पछुआ हवाओं का कुछ असर
नजर आएगा। सुबह शाम में हल्की ठंड महसूस हो सकती है, ऐसे में लोगों को थोड़ा सावधानी बरतने की जरूरत है। वहीं सीतामढ़ी, अररिया, किशनगंज, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण आदि जिलों में हल्का कोहरा होने के आसार है। रोजगार वाले बयान पर संजय जायसवाल का 23वीं पर पलटवार। बक्सर में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने तेजस्वी यादव के रोजगार देने वाले बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि हाँ, तेजस्वी यादव को गिनती बहुत आती है, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे तेजस्वी यादव ही हैं। वे और उनकी महागठबंधन की सरकार भाजपा के समय की नौकरियों के नियुक्ति पत्र को अभी दोबारा बांट रहे हैं और उसकी गिनती करा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि राज्य में अभी भी कई बेरोजगार ऐसे हैं जो अपना सर मुड़ाए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर तेजस्वी यादव को नियुक्ति पत्र देना ही है तो पहले नियुक्ति पत्र उन्हें दे जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। झारखंड की तर्ज पर बिहार में भी आरक्षण का दायरा बढ़ाए सरकार। हम हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय सचिव सह प्रवक्ता इंजीनियर नंदलाल मांझी ने सरकार से आरक्षण का दायरा बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि बिहार से अलग होकर झारखंड सरकार ने आरक्षण का दायरा 77% तक बढ़ा दिया है, जिससे आदिवासी, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग को आरक्षण का लाभ मिला है। वैसे ही पहल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी उठानी चाहिए, उन्हें बढ़ चढ़ कर इसमें हिम्मत दिखानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जब तक आरक्षण का दायरा 50% से आगे नहीं बढ़ेगा तब तक गरीबों को उसका लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए मैं यहां की सरकार से मांग करता हूं कि बिहार में भी आरक्षण का दायरा 50% से बढ़ाकर 77% कर देना चाहिए, ताकि कर्पूरी ठाकुर और लोहिया के सपनों को साकार किया जा सके। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने चिराग पासवान को लेकर दिया बड़ा बयान। राष्ट्रीय लोजपा के अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपने भतीजे चिराग पासवान को लेकर बातें कहीं। उन्होंने बताया कि अगर चिराग पासवान एनडीए में आना चाहते हैं तो इससे उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे इजाजत के बिना वो आना चाहेंगे तो यह संभव नहीं है। यानी कि अगर चिराग को एनडीए में लेना है तो उसके लिए बीजेपी को पशुपति पारस से इजाजत लेनी होगी। बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले चिराग पासवान की वापसी एनडीए में संभव है। वहीं दूसरी ओर पशुपति पारस ने चिराग पासवान के लिए कुछ शर्तें भी रखी हैं। अगर चिराग सुलह चाहते हैं तो उन्हें सबसे पहले सार्वजनिक रूप से 2020 में चुनाव में के लिए लड़ने के लिए माफी मांगनी होगी। अगर वह ऐसा करते हैं तो विचार किया जा सकता है। इसके साथ ही ऐसा नहीं है कि अगर चिराग एनडीए में शामिल हो जाते हैं तो लोजपा एक हो जाएगी। ये सभी बातें सिर्फ परिस्थितियों पर निर्भर करती है। सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षा की फर्जी डेट शीट इंटरनेट पर वायरल। इंटरनेट पर तेजी से सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षा की फर्जी डेट शीट वायरल हो रही है। हालांकि अब तक सीबीएसई की ओर से 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा 2023 को लेकर कोई विस्तृत शेड्यूल जारी नहीं किया गया है। वहीं इस वायरल डेट शीट को लेकर बोर्ड के द्वारा साफ तौर पर कहा गया है कि यह डेट शीट फेक है। मिली जानकारी के अनुसार बोर्ड की ओर से इस महीने की आखिरी तारीख तक 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा 2023 की डेट शीट जारी कर दी जाएगी, लेकिन इस खबर को लेकर बोर्ड की ओर से कोई आधिकारिक सूचना जारी नहीं की गई है। बता दें कि शनिवार से ही सोशल मीडिया पर बोर्ड परीक्षा का डेट शीट निकालकर वायरल किया जा रहा है। बीसीसीआई धोनी को भारतीय टीम में दे सकती है अहम जिम्मेदारी। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2022 में भारतीय टीम के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद बीसीसीआई पूर्व भारतीय टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को टीम में खास जिम्मेदारी सौंप सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो महेंद्र सिंह धोनी आगामी आईपीएल 2023 के लिए खेल में संन्यास ले सकते हैं, जिसके बाद बीसीसीआई उनके अनुभव और टेक्निक के सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए उन्हें भारतीय टीम में बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक बीसीसीआई के बड़े अधिकारियों का मानना है कि राहुल द्रविड़ के ऊपर भारतीय टीम के तीनों फॉर्मेट की जिम्मेदारी का भार उचित नहीं है। ऐसे में बीसीसीआई राहुल द्रविड़ का वर्कलोड धोनी के साथ बांटना चाहती है। कहा यह भी जा रहा है कि अंदर ही अंदर इसकी तैयारियां भी चल रही है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। कोलकाता विद्युत आपूर्ति निगम ने 1929 में हुगली नदी के भीतर नहर की खुदाई आरंभ की। हैदराबाद में सालार जंग संग्रहालय की 1951 में स्थापना की गई। भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 में संघर्ष विराम पर सहमति के बाद बांग्लादेश पाकिस्तान से पृथक होकर स्वतंत्र राष्ट्र बना। तमिलनाडु के कलपक्कम में 1985 में पहले फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर की स्थापना की गई। दिल्ली में 1993 में सभी के लिए शिक्षा सम्मेलन प्रारंभ हुआ। भारत के सर्वश्रेष्ठ मुक्केबाजों में से एक हवा सिंह का जन्म 1937 में हुआ। परमवीर चक्र सम्मानित भारतीय सैनिक सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल का निधन 1971 में हुआ। प्रसिद्ध भारतीय महिला कव्वाल शकीला बानो का निधन 2002 में हुआ। ब्रिटिश सांसद की अधिकार घोषणा को राजा विलियम तथा रानी मेरी ने 1889 में स्वीकार कर शासन में जनता के अधिकार को मान्यता दी। वायरल खबर में
आज हम बात करेंगे पत्रकारों को टोल टैक्स पर मिलने वाली छूट के बारे में। सोशल मीडिया पर कई तरह की सूचनाएं वायरल होती है, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इस कड़ी में आज हम बात करेंगे टोल प्लाजा पर पत्रकारों को टोल टैक्स पर मिलने वाली छूट के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि एक हैशटैग व्हाट्सएप मैसेज में दावा किया जा रहा है कि भारत के सभी टोल प्लाजा पर पत्रकारों को टोल टैक्स पर छूट मिलेगी, जिसके लिए आईडी कार्ड दिखाना आवश्यक होगा। पीआईबी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि यह दावा फर्जी है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया है। ऐसे काम करता है व्हाट्सएप का कंपेनियन मोड। मेटा के स्वामित्व वाला इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप ने अपने बीटा यूजर्स के लिए कंपेनियन मोड नामक एक नए फीचर्स को शुरू किया है। यह फीचर्स यूजर को अपने व्हाट्सएप अकाउंट को एक अतिरिक्त स्मार्टफोन पर उपयोग करने की अनुमति देती है। चूंकि यह सुविधा बीटा परीक्षण के अधीन है, यह एंड्रॉइड संस्करण व्हाट्सएप ऐप पर उपलब्ध है। यह उपयोगकर्ताओं को एक बार में चार उपकरणों को अपने व्हाट्सएप खाते से लिंक करने की अनुमति देता है, और जब कोई संदेश भेजता है तो यह सभी लिंक किए गए डिवाइस पर भेजा जाता है। इसके अलावा अगर कोई लिंक किए गए मोबाइल फोन से व्हाट्सएप का उपयोग करता है तो भी उनके पर्सनल संदेश और कॉल एंड टू एंड एनक्रिप्टेड होते हैं। प्राइमरी फोन पर सेट करने के लिए पहले स्मार्टफोन पर व्हाट्सएप खोलें, इसके बाद ऊपरी दाएं कोने पर उपलब्ध तीन डॉट मेनू विकल्प पर टैप करें। अब लिंक डिवाइस विकल्प का चयन करें, फिर लिंक एड डिवाइस बटन को हिट करें। अब मोबाइल स्क्रीन पर एक क्यूआर कोड प्रदर्शित होगा। जाने किस देश में जन्म लिया आठवां अरब बच्चा। यूनाइटेड नेशन के ताजा रिपोर्ट के अनुसार बीते दिन मंगलवार को दुनिया की आबादी 8 अरब के पार हो गई है। बता दें कि उनके द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि फिलीपींस की राजधानी मनीला में एक बेबी गर्ल ने सुबह जन्म लिया और इसी बच्ची को दुनिया का 8वां अरब बच्चा माना जा रहा है। वहीं मिली जानकारी के अनुसार साल 2030 तक दुनिया भर की जनसंख्या 8.5 बिलियन के पार पहुंच सकती है। इसके अलावा साल 2050 में 9.7 बिलियन और 2100 में 10.4 बिलियन तक जनसंख्या पहुंचने की संभावना है। यूनाइटेड नेशन के ताजा रिपोर्ट्स में कहा गया है कि 8 अरब तक जनसंख्या पहुंचाने में एशियाई देशों का सबसे बड़ा योगदान रहा है, जिसमें भारत और चीन शामिल है। वहीं यह भी कहा जा रहा है कि साल 2023 में भारत चीन की जनसंख्या को भी पीछे छोड़ देगा। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है मृत्युंजय कुमार, कुश कुमार यादव, सदुल्लाह पलवी, नुन्नू गोलू कुमार, नवीन कुमार, उमेश ऋषिदेव, रिंकू कुमार पंडित, रवि शंकर, मधुलता, अजय भारती, प्रहलाद कुमार, रविन्द्र पासवान, मनीषा राज, मनोज कुमार, राजीव कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार बैगलेस शनिवार बच्चों के लिए कितना कारगर साबित होगा। आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।